इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीपरजॉय चक्रवात तूफान ने गुजरात के बाद राजस्थान में एंट्री कर ली है, जिसके बाद मौसम विभाग ने बाड़मेर, जलोर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की जा चुकी है। स्टेट ओपन और जोधपुर यूनिवर्सिटी की 16 से 18 के बीच होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे आधा दर्जन गांव के 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पूर्व पश्चिमी राजस्थान में आंधी के साथ तेज बरसात हुई। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ और बिजली के पोल उखड़ चुके हैं, जिसके कारण कई इलाकों में बिजली गुल है। मौसम केंद्र जयपुर के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा का कहना है कि इस साइक्लोन का आई पॉइंट राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। इस तूफान के राजस्थान में एंट्री करने के साथ ही हवा की स्पीड 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसका ज्यादातर असर बाड़मेर, जलोर में देखा जाएगा, जिसके चलते 14 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गाँव को खाली कराया जा चुका है। बाड़मेर शहर में 16 जून देर शाम तक मौसम विभाग ने 30 mm बरसात दर्ज की है। यहां अंडरपास में पानी भर चुका है, सड़कों पर आधा फीट पानी जमा हुआ है। इसके साथ ही उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से शनिवार को उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की 2 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर से दोपहर 1 बजे दिल्ली रवाना होने वाली फ्लाइट और शाम 4:30 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है, ताकि लोगों को कोई परेशानी या उनकी जान को कोई नुकसान ना हो। तो बता दें कि राजस्थान में पीपरजॉय चक्रवात को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यहां पर स्कूल, फैक्ट्रियों को बंद किया जा चुका है।